वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो इस समय सवेरे के बज गए हैं 9:30। तो आज मैं आई हूँ सब्जी बनाने आ गई हूँ। असल में संदेश भैया जो खाना बनाते हैं उनकी तबीयत खराब है, तो मैं बनाने आई हूँ। तो चलिए मैं बना रही हूँ करेला। तो ये देखिए, ये मैंने करेले काट लिए हैं। आज मैंने करेले इस आकार में काटे हैं, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट। तो इसको काटने का तरीका ये है, ये देखिए इसको आप तिरछा करिए, ये देखिए, ये हम यहाँ से ऐसे काटेंगे एक पीस, ये देखिए ऐसे काटेंगे ये, फिर इसको पतला पतला सा ऐसे ऐसे, ये देखिए ये हम इस आकार में काट लेंगे, ये देखिए ये ऐसे। तो ऐसे ही सारे करेले हम काट लेते हैं। इसके बाद हम, तो ये देखिए दोस्तों हमारे सारे करेले कट गए हैं। अब इन करेलों को मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए बीज भी डाल देते हैं और इसमें मिक्स कर देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये देखिए। अब इसकी में इसकी कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाएगी, ये देखिए। वैसे मैं अपने लिए जब बनाती हूँ तो मैं करेला में यह हल्दी और नमक नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं कड़वा ही पसंद करती हूँ। क्योंकि करेला की कड़वाहट एक उसका प्राकृतिक गुण है, उसे को नष्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए बिल्कुल नई चीज़ हम डालेंगे, ये शायद आप ना डालते हो। ये है मेरा जामुन का थोड़ा सिरका, ये देखिए। अब ये हम करेले में डाल देंगे, तो जैसा ये बिल्कुल आलू का जैसा चिप्स बन के तैयार होगा ये। अब इसको हम थोड़ी देर इधर बंद करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ये देखिए। तब तक हम दूसरी तैयारी कर देते हैं। अभी देखिए ये मेरा बेसन है, राजधानी बेसन, ये अच्छा बेसन होता है राजधानी, तो हम इस बेसन का ही इस्तेमाल करते हैं। आप जो भी बेसन इस्तेमाल करें, तो ये देखिए हम इसमें से 2 स्पून बेसन निकाल लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं सारे मसाले, अब इसे डालेंगे हम थोड़ा सा मिर्च पाउडर, टेस्ट के अनुसार आप मिर्च का इस्तेमाल करें। अब डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, डालेंगे नमक पाउडर, ये देखिए नमक, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, क्योंकि करेले भी हम नमक से ही उसको धुल लगा के रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा नमक हम कम डालते हैं। अब इसे डाल देते हैं, देखिए कश्मीरी मिर्च। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा ये देखिए चिकन मसाला। अब इसको हम धीरे धीरे करके पानी घोल लेंगे, ये बेसन को हम घोलते हैं, ये देखिए इसको मिक्स कर देते हैं, इसका नमक और हर चीज हम टेस्ट कर लेंगे। अब देखिए इसमें हम ये कसूरी मेथी थोड़ी डालते हैं, ये कसूरी मेथी की महक अच्छी लगती है, ये इतनी सी हींग। अब हम इस थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस बेसन को घोल लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे इसमें गांठे ना पड़े। और ये जो है ये हम पकौड़ी प्याजी जैसे बनती है वैसा घोल तैयार करेंगे, पकौड़ी वाला, ये देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाएंगे और ना ज़्यादा पतला बनाएंगे कि कढ़ाई में हम टपका ना पाए। अभी देखिए ये घुल गया है, इसको 5 मिनट के लिए हम इधर रख देते हैं। अब चढ़ा देते हैं इधर हम अपनी कढ़ाई। अभी देखिए बेसन के घोल में हम ये करेले डाल देते हैं और इनको इसी में मिक्स कर देंगे। ये आपने कभी नहीं बनाए होंगे, ये करेले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे मिक्स करके तेल में डुबो देंगे और ये खाने के साथ बहुत ही मज़ेदार होते हैं। सिरका डालने के बाद इनकी कड़वाहट खत्म हो जाती है।
देखिए सब पलट गए और सब पक भी गए हैं। ये आप एक बार बनाओगे तो आपको बेहद पसंद आएगी, बहुत अच्छी बनती है ये। देखिए इस कढ़ाई में हम जीरा डालते हैं। इसके बाद ये देखिए करेले की चिप्स के बाद मेरा इतना बेसन बच गया है। अभी ये मेरे सोयाबीन की, ये कल पकौड़े मेरे बने हुए थे, ये देखिए ये तो आपने देखा था, ये सोयाबीन वाले मैं इनको काट के छोटे पीसों में करके इसमें मिक्स करूँगी। ये देखिए ये छोटे छोटे पीसों में हम काट देंगे। देखिए अब हम ये ऐसे करके बिल्कुल समझ लीजिए फ्रेंच फ्राई जैसा इसको हम फ्राई कर लेंगे बेसन मिक्स करके। ये ऐसे ही हम सारे डाल देंगे और डालने के बाद इसको कढ़ाई में ये इसमें मिक्स कर लेते हैं। जो बेसन है इसी में सब हम मिक्स करेंगे इसको। अब देखिए मेरा जीरा हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा डालते हैं प्याज। ये प्याज फ्राई करते हैं, प्याज को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और ये देखिए ये मैंने कर लिए। अभी देखें हल्दी डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं और इसके बाद डालेंगे इसमें ये देखिए चाट मसाला। चाट मसाला डाल दिया और अब इसको हम फ्राई करते हैं। गैस को स्लो कर दिए हैं। अब ये देखिए ये मेरी सोयाबीन की जो पेस्ट मैंने कल सब्जी बनाई थी उसमें इतना बच गया था तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो ये देखिए इसका मैंने स्नैक्स टाइप का बना लिया है। ये देखिए ये आप अगर एक बार बनाओगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगा और पौष्टिक अलग होगा, मतलब सोयाबीन है इसलिए पौष्टिक अलग है और खाने में बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने प्लेट रख दी है, अब इसमें हम रख देते हैं पहले करेले की चिप्स। ये देखिए ये करेले हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया टेस्टी, इनकी कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने सिरका डाल दिया है ना उसकी कड़वाहट मिनटों में ख़त्म कर दिया है करेले में अब बिल्कुल भी कड़ू नहीं रह गया है करेला। अब इसके साथ ही देखिए मैं ये वाली सब्जी भी सर्व करती हूँ। ये देखिए देखिए बहुत ही टेस्टी स्नैक्स, जरूर बनाइए एक बार इस रेसिपी को, आप ट्राई कीजिए आपको बहुत पसंद आएंगे और बच्चों को फायदा भी करेगा क्योंकि बच्चों को फ्रेंच फ्राई बहुत अच्छा लगता है। तो वो फ्रेंच फ्राई है, ये बहुत कम तेल में बेहद टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हुआ है। ये देखिए तो ये बहुत, अब इसमें हम डाल देते हैं देखिए थोड़ा सा चाट मसाला दोनों तरफ से। देखिए इसमें भी डालते हैं चाट मसाला और इसमें भी डाल देते हैं चाट मसाला। अब इसको आप पराठा पूरी चावल किसी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए। ये सॉस है, ये प्याज है, ये देखिए आप खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप ऐसे करेले कभी बनाए नहीं होंगे, बना के देखिए लोग पूछेंगे कि कैसे बनाई इसकी पकौड़ी और कैसे ये कड़ू नहीं है। आप खा के देखिएगा बिल्कुल भी नहीं कड़ू आता है। अब थोड़े से ये उबले हुए स्वीट कॉर्न जिसको मैंने चाट जैसा बना के रखा हुआ, ये देखिए ये इसमें मैंने चाट मसाला डाला है, नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा कसूरी मेथी रगड़ के डाल दिया है। ये देखिए सब रेडी है। अब आपको हमारी डिश कैसी लग रही है
अगर आपको ये डिश पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए इसमें से थोड़ा सा हम सिरका भी डाल देते हैं खटास के लिए, जरा जरा सा। ये मेरा सिरका है, ये अभी गर्मियों में मैंने बनाया है, इसकी रेसिपी मैंने डाली थी, हो सकता आपको मिली होगी, आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा सिरका है। इतना ज़्यादा ये उठ गया है कि खोल दो तो पूरे घर में महक रहती है। तो ये देखिए मेरी रेसिपी तैयार है। तो दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिथिला जी की दुनिया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।